नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। 25 सितंबर 1990 की तारीख थी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर गरमाई राजनीति और मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा शुरू की। आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी और भाजपा के वरिष्ठ नेता वहां कार सेवा में शामिल होने वाले थे। रथ यात्रा के कई पड़ाव थे, उन तमाम पड़ावों में बिहार भी शामिल था। उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। आडवाणी की रथ यात्रा की घोषणा के साथ ही लालू यादव के टेंशन बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि आडवाणी की रथ यात्रा के बिहार में पहुंचने के बाद यहां सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इसी डर से रथ यात्रा से ठीक पहले लालू ने आडवाणी से दिल्ली में मुलाकात की। लालू यादव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, आडवाणी से मुलाकात के दौरान मैंने बिना लाग लपेट से उनसे कहा था कि आप दंगा फैलाने वाली अपनी रथ यात्रा रोक दीजिए। बहुत परिश्रम से हमने बिहार में भाईचारा कायम किया है, अगर आप दंगा यात्रा निकालिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा में विस्तार से दिया है। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैंने आडवाणी से पूरी शालीनता से अपनी बात रखी, लेकिन अपनी शांत छवि और मीठी बोली के लिए चर्चित आडवाणी मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि देखता हूँ कौन माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा को रोकेगा। लालू आगे लिखते हैं, मैंने नहले पर दहला मारा और जवाब दिया, मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है, आइए बिहार में बताता हूँ। तमाम तनाव के बीच आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी, लेकिन उनकी रथ यात्रा बिहार से आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि जब आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में पहुंची तो 23 अक्टूबर को उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या नहीं पहुंच पाई थी। लालू यादव ने बिहार में उन्हें गिरफ्तार करवा लिया था। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में इस घटना के बारे में विस्तार से बताया है। उन दिनों भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जन आंदोलन कर रहे थे। आडवाणी रथ यात्रा के माध्यम से देश के सभी राज्यों में जनसंपर्क अभियान शुरू किए थे। रथ यात्रा में देश के लगभग सभी हिस्सों से घूमकर आने के बाद बिहार में उनकी रथ यात्रा को विराम लग गया था, क्योंकि तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी और लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया था। लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर इतिहास कायम कर दिया था। वास्तव में आडवाणी का रथ भारत के लगभग अधिकांश राज्यों से भ्रमण करके पहुंचा था, लेकिन कोई भी राज्य सरकार आडवाणी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उस वक्त केवल बिहार के लालू सरकार ने यह हिम्मत दिखाई थी और आडवाणी को गिरफ्तार किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।